खरगोन जिले के ग्राम काजलपुरा के समीप गाय चराने जा रहे 8 युवकों को पकड़कर गोरक्षक थाने ले आए, जिन्हें पड़ताल के बाद छोड़ दिया गया। बता दें कि कुछ युवक खंडवा जिले के देशगांव के समीप ग्राम पलासी से दान की गई 17 गायों को पैदल लेकर ग्राम मोगावा पालने ले जा रहे थे, जिन्हें गोरक्षकों ने धर दबोचा और थाने ले आए। इस दौरान थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले ने बताया कि बजरंग दल वाले लेकर आए थे, तस्दीक करके छोड़ दिया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। गाय 8 लोगों को भी लाए थे और कुछ 17 गायें बता रहे, क्या है पूरा मामला है? ये देशगांव तरफ से कुछ किसान पैदल गाय ले जा रहे थे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तो शंका के आधार पर लाए थे, चेक किया तो वो लोग वास्तव में किसान थे और पैदल पैदल लेके जा रहे थे। बाद में तस्दीक करने के बाद उन लोगों को रक्षित किया गया। प्रमाण पत्र वगैरह था बता रहे? हाँ, सरपंच ने लिख के दिया था, दोनों सरपंच से बात भी हुई हमारी, दान में दी थी। हाँ, कहाँ से ला रहे थे? पलासी गांव से। कहाँ ले जा रहे थे? मोहगांव। कैसे ले जा रहे थे आप लोग? पालने के लिए ले जा रहे थे। लेने वाले कहाँ के आप? पलासी गांव से। मोरगांव कैसे आए? मोरगांव ने ये मोहगांव ले जा रहे, इधर मोहगांव पिछले ले जा रहे थे पालने के लिए ले जा रहे थे। और मोबाइल पर बात कर रहे थे, वो भी बोल रहा था कि चराने के लिए ले जा रहे। हाँ, तो चराने के लिए तो ले जा रहे थे। चराना अलग है, पालना अलग है। और एक बोल रहा था कि दान कर रहे थे, तीन मुँह बात हुई थी। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? पलासी से। पिछले आ रहे थे? ये गाये मन कितनी गायें? 17 गायें। प्लासी में क्या चरा नहीं सकते अपन गायें? भैया वो यहीं पे तालाब है ना। हाँ, तो खेत में घुसते हैं तो फिर वो हमारे उधर जमीन का रहा है फुट से, तो उसमें फिर हम सब गांव वाले ना ये मतलब क्या ये पालेंगे तो ले जाओ। दान दी हुई है? हाँ। किसने दी आपको? हमको दे दीपू दरबार। कितनी गायें दी दान? वो तो 10-15 जन। तो आप इधर कहाँ के गांव जा रहे थे? मोहगांव। वहाँ क्या है, कोई रिश्तेदार में है आपके? हाँ। कौन है? अपना परिवार के ना। वहाँ ले आ रहे थे आप? हाँ। किस लिए ले आ रहे थे? पालने के लिए। पालने के लिए। हाँ। ये कहाँ रहते सब? वहीं पे रहते हैं। मोहगांव। क्या नाम है तुम्हारा? ये क्या मामला है, गाँव पकड़ी है या थाने पे लाए आप? ये खेगांव माखन से इधर लाने का बता रहे हैं और उन तरफ गोगांव मोगांव मोगांव बता रहे हैं कि हमको दान करी हुई है। तो पालने के लिए ले आ रहे थे? हाँ, ये तो ये बता रहे हैं, मगर इनसे जब इनसे पूछा गया तो इनको ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ये मतलब सब अलग अलग बता रहे हैं। तो अब हम भी वही कर रहे हैं कि पहले वहाँ गाँव में फ़ोन लगा रहे हैं, पता कर रहे हैं कि वाकई में ये सत्य पालने के लिए ले जा रहे हैं कि कट्टू ले जा रहे हैं। तो कितनी गायें हैं, कितने लोग हैं ये? ये 17 गाय के करीब है और 8 के करीब लोग हैं। नहीं, इनका ये कहना है कि हम पालने के लिए ला रहे, सरपंच ने लिख के भी दिया है हमको। ये लिख के तो उन्होंने दिया है, मगर उन्होंने तो दान करी है, मगर ये तो नहीं सत्य है ना कि ये वाकई में पालने ले जा रहे हैं। हम भी यही चाह रहे हैं कि पहले सत्य का पता लग जाए और वाकई में सही रहेंगे तो हम उनको। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम पहले थोड़े हमको समय लगेगा तो हम जानकारी गांव में निकाल रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जैसी जानकारी निकलेगी वाकई में ये किसान के यहाँ पलने जा रहे हैं, हम बेकायदा इनको यहाँ से बरी कर देंगे और कभी मान लो कि ये कट्टू में जा रहे हैं तो इन पर कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। क्या नाम है आपका? आनंद शर्मा, बजरंग दल जिला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।